स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉमिनल लेवल ऑफ अ नॉमिनल लेवल ऑफ मेयरमेंट एक बेसिक लेवल ऑफ मेयरमेंट है और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी वेरिएबल को क्लासीफाई करना हो और हम उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट यानी हमारी जो रिस्पॉन्स कैटेगरीज होती हैं वो इन शेप ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट होती हैं

एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिवनेस की अगर बात करें तो इट मीनस डैट कि आपने जिस पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो आपने उसको पहले से आपको पता है कि इसमें uh, किस टाइप के लोग हैं तो आपके पास उनकी जो पॉपुलेशन के जो uh, के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पैरामीटर जिसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिक्स में वो आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं उसकी बेसिस पे uh, uh, जो है आपने रिस्पॉन्स कैटेगरीज बनाई होती हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेरिएबल तब होता है एग्जॉस्टिव uh, तब होता है व्हेन देर इज़ नो पॉसिबिलिटी के कोई भी रिस्पॉन्डेंट uh, जो है फ्रॉम द पॉपुलेशन कैन नॉट आइडेंटिफाई हिम हर सेल्फ इन अ सिंगल रिस्पॉन्स कैटेगरी इट मीन्स दैट के uh, जब आप स्टडी को कंडक्ट करने जाएंगे अपना सैम्पल लेंगे तो आपको पता होगा कि इस सैम्पल की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेसिस पे आपने रिस्पॉन्स कैटेगरीज बनाई हैं तो आप आ, आ, के पास कोई ऐसा रिस्पोंडेंट नहीं आएगा जो कि उनमें से किसी एक रिस्पॉन्स कैटेगरी में अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा अगर ऐसा नहीं है अगर वो आपके पास ऐसा कोई रिस्पॉन्डेंट आ जाता है कि वो अपने आप को एक सिंगल कैटेगरी में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा तो इट मीन्स दैट कि आपका जो वेरिएबल है वो एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है तो जो नॉमिनल लेवल का पे हम देखते हैं किसी वेरिएबल को या जिस वेरिएबल को हम नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं इसको हम दो टाइप्स में जो है वो आगे डिवाइड करते हैं एक को हम कहते हैं डाइकोटमस इन नेचर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन डाइकोटमस इन नेचर जो आपका वेरिएबल होता है डाइकोटमस इन नेचर उसमें आपकी जो रिस्पॉन्स कैटेगरीज होती हैं वो दो होती हैं और उसमें एक आप ये भी कह सकते हैं कि उनमें एक ऑपोजिट टू ईच अदर भी होती है वो रिस्पांस कैटेगरी जैसे कि एक सवाल नामे में अगर आपसे पूछा गया है यू ओन प्रॉपर्टी यू हैव एनी पर्सनल प्रॉपर्टी तो अब इसका जवाब यस या नो में आ आएगा तो अब ये दोनों एक ऑपोजिट टू ईच अदर हैं कि किसी के पास अपनी जायती जायदाद हो सकती है या नहीं हो सकती तो इसी तरह अगर हम ये अब इसको वेरिएबल को हम डाइकोटमस इन नेचर कहेंगे इसी तरह अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि वो उसको कोविड नाइनटीन इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ तो वो क्या कहेगा इन्फेक्टेड नॉट इन्फेक्टेड तो यहां पे भी ये दोनों रिस्पॉन्स कैटेगरीज जो हैं जो वो अपोजिट टू ईच अदर हैं और दो हैं ये। तो ये भी एक डाइकॉटोमस वेरिएबल है इसी तरह अगर हम जेंडर की बात करें तो हमारी जो जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन है जेंडर के वेरिएबल की वो भी डाइकोटोमस थी मैन वुमेन कि हम ये समझते हैं कि दोनों रिस्पांस कैटेगरी अपोजिट टू ईच अदर हैं और इसकी दो ही रिस्पांस कैटेगरीज हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वी हैव रियलाइज दैट कि जेंडर हैज़ मोर रिस्पांस कैटेगरीज देन द टू रिस्पांस कैटेगरीज जैसे अब हम एक वेरिएबल और बनाते हैं थर्ड जेंडर का एक रिस्पांस कैटेगरी और बनाते हैं थर्ड जेंडर की या ट्रांस जेंडर की तो नॉन डाइकोटमस अगर हम देखें वेरिएबल नॉमिनल लेवल पे कौन से होते हैं नॉन डाइकोटमस जैसे हम एथनिसिटी है हमारे पास तो एथनिसिटी में हम देखते हैं कि हमारे पास इसको हम दो आ, इसकी कैटेगरीज नहीं बना सकते जैसे कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी में एथनीसिटी की बात करें वी हैव पंजाबीज पश्तूस सिंधीज, बलोच तो ये देखें इसमें जो है हमारे पास आ, जो है दो से ज्यादा रिस्पॉन्स कैटेगरीज है अपोजिट टू ईच अदर भी नहीं है अभी अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अभी वेरिएबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ और एथनीसिटीज़ भी हैं जैसे कि सराइकीज़ हैं कश्मीरीज हैं गिलगतीज हैं बलतीज हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी एथनेसिटीज जो हैं जो हमारी सेंसेस रिपोर्ट में लिखी हुई है तो हमें वो सारी ऐड करनी पड़ती है तो इसमें जो है एक तरीका और होता है क्योंकि जब आप सवालन बनाते हैं तो आप इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स कैटेगरीज़ तो नहीं लिख सकते नॉमिनल वेरिएबल के लिए तो हम क्या देखते हैं कि हम मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसमें की जो है उनकी रिस्पॉन्स कैटेगरीज बना लेते हैं और उसमें एक ओपन ऑप्शन छोड़ देते हैं जैसे कि अगर हम इसी वेरिएबल को बनाएं ऐसे पंजाबीज सिंधीज पश्तूस कश्मीरीज बलोच और फिर इसके एंड पर हम लिख दें एनी अदर और यहाँ लिख दें नेम अदर तो ये जो है आपकी अब एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेरिएबल बन जाएगा इसके साथ कि आपने चार मेजर एथनिकिटीज या पांच मेजर एथनिक ले ली और उसके बाद जो है आपने बाकी सब भी ऐड कर ली तो ये एक नॉन डाइकोटमस वेरिएबल की एग्जांपल है इसी तरह आपका रिलीजन हो सकता है कि रिलीजन भी एक जो है नॉमिनल वेरिएबल है और नॉन डाइकोटमस है आपकी नेशनलिटी है वो भी एक जो है आपका नॉन डाइकोटमस वेरिएबल है तो इसमें हम नॉमिनल लेवल पे जो वेरिएबल है उसको दो तरह से देखते हैं कि वो डाइकोटमस है या नॉन डाइकोटमस है